नमस्कार, राम राम सारे देशवासियों को। भाई आज मैं छत्रसाल स्टेडियम में आया हूँ और ये कोच साहब हैं और अरुण भाई हैं जो रवि ने आज कमाल करके दिखाया पूरे भारत देश को। तो मैं शुरुआत में अरुण भाई से बात करना चाहूँगा। अरुण भाई, कितने साल से आपके पास है रवि यहाँ? मेरे पास ये 14 साल हो गए, 2007 में आया था ये, 14 साल हो गए मेरे पास। तो शुरुआत से अच्छा था लड़ने में? शुरुआत में थोड़ा ये स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसका, तो ये 2011 तक तो कोई अचीवमेंट बनी भी नहीं थी। 11 के बाद थोड़ा इसका स्वास्थ्य ठीक हुआ, फिर इस पर पूरा फोकस किया क्योंकि छोटा सा था मेरे पास ही, तो फिर मैंने इसमें पूरा ध्यान, एक जो बड़े भाई का होता है, सिंगर पहलवान का होता है, उससे मैंने पूरा इसके साथ पूरा एक मैं एक बात आज बाउट थी यानी पब्लिक को बता खेल कुश्ती वाला सब भारत देश को ही पता है, ये बहुत तगड़े रेसलर थे अपने देश के जो उसने हराया है। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, जैसा आपने सोचा था वो पूरा करके दिखाया इसने आपके लिए? हाँ बिल्कुल, हमने पूरा इस पे पूरी मेहनत की थी, रशिया कैंप में भी हमने पूरा फोकस इसी पे था, हमने फिर वो दीपालवान को कोई मौका देना ही नहीं है, फिर भी कुश्ती है ऊपर नीचे चलता है, पर हमने जो मेहनत की थी उसमें हम सफल रहे हैं और कल हमारा एक मैच फाइनल है, गोल्ड वो कल गोल्ड हो जाता तो हम पूरे ही गोल्ड होगा 100%। काम होगा अभी। नमस्कार कोच साहब। नमस्कार सर, अपना परिचय बताइए पूरा। सर मैं प्रवीण दहिया, रेसलिंग कोच का स्टेडियम मैं कार्यरत हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट के हम कोच हैं और ये दिल्ली गवर्नमेंट का सेंटर है और यहाँ कार्य कर रहे हैं। आज रवि दहिया ने पूरे भारत को वाह-वाह कर दिया कि कुश्ती के कई दिन से हार रहे, कल सोनम मलिक हार गई थी, जैसे उम्मीद नहीं थी भाई मेडल आएगा, यानी रेसलिंग के अंदर ऐसी उम्मीद हो गई थी हारने हारने देख के, मगर रवि दहिया ने बेजोड़ हराया सारे पहलवानों को, 10-10 पॉइंट से 8-8 पॉइंट से, वो भी अपने देश के टॉपर पहलवान हैं, वर्ल्ड में सबके मेडल हैं, इंटरनेशनल हैं, और जो रवि ने इतनी प्रोग्रेस करी, तो आप क्या कहना चाहोगे रवि के बारे में थोड़ा? सर रवि की परफॉर्मेंस हम बिल्कुल उसमें श्योर थे, कॉन्फिडेंस थे, हाँ, कि वो गोल्ड लेके आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं था, हमें विश्वास था। हेलो। और उन्होंने पहले कोलंबिया को बीट किया 13-2 से, उसके बाद बुल्गारिया को किया 14-4 से, उसके बाद सेमीफाइनल बाउट कजाक को किया, उन्हें 22 फाउल निश्चित किया। तो ये जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, इस परफॉर्मेंस से ये आप भी कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो कि वो गोल्ड लेके आएगा, और ये हमारा विश्वास है कि वो गोल्ड के लिए ही गया हुआ है। 1.5-2 साल से जो ट्रेनिंग उसने ली, स्पेशल ट्रेनिंग चली थी, हम सभी कोचिज स्टेडियम में जो करा रहे थे, अरुण भाई है, जयवीर कोच साहब हैं, जो भी हम सभी लगे हुए हैं, वो सभी ललित जी हैं, अजीत मान जी हैं, जो हमारा टीम है यहाँ पे पूरी टीम, वो सब इसी लगे हुए हैं कि गोल्ड के लिए आप तैयार हैं। खासियत क्या है रवि के अंदर? जैसे रवि एक डिसिप्लिन बच्चा है, बड़े रिगार्ड करता है और जो भी कोचिज का आदेश होता है उसका मानता है, और ट्रेनिंग के अंदर जो भी आप ट्रेनिंग कराओगे उसको फॉलो करता है, और एक शेड्यूल उसका है, शेड्यूल है कि वो शेड्यूल के हिसाब से अपना कार्य करता है, ज्यादा न कहीं कहीं बाहर शादियों में जाना, न कहीं बजाना, यानी उसका। मैं सारे देशवासियों से, अरुण भाई हैं बड़े भाई, जैसा कि आपने सुना होगा भाई महाभारत के अंदर अर्जुनों का साथ जैसे कृष्ण ने दिया था, तो रवि के बड़े भाई हैं, सब कुछ हैं, अखाड़े के अंदर लेके आए थे, आज रवि भाई ने इतना बड़ा मकाम हासिल करा देश के लिए, क्या बोलना चाहोगे आप? सभी देशवासियों की दुआ थी और सब ने जो एक गोल्ड पे फोकस करया था उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, अब कल फाइनल मैच है, सब देशवासियों की दुआ चाहिए कि हम गोल्ड लेके आए, और हमने जो तपस्या जो हमने करी थी ये 2 साल बिल्कुल लॉकडाउन में भी हमने पूरा फोकस सिर्फ रेसलिंग पे ही रहा, और भगवान की दाते आज उसमें हम कामयाब होते हो रही है। तो मैं देशवासियों बताना चाहूँगा, रवि बहुत छोटा आया था यहाँ पे और भाई ने सहयोग करा था, उसकी हिम्मत सी भी हारी थी, परिवार वाले भी एक बार तो कहते नहीं रहने दो छोड़ो, मगर भाई ने उसकी हिम्मत नहीं हारने दी, साथ दिया, ये और ये रहता है रवि, देखो भाई जैसा नॉर्मल कमरा है यहीं पे सोता है, और ये उसके कार्ड पड़े हैं सारे, ये अरुण भाई है, उसके पास ही रहता है, ये उसके बेस्ट पार्टनर हैं बचपन से, रसिया भी रहे हैं छोटे से ही साथ में। अरुण भाई क्या बोलना चाहोगे, इन तगड़ी बाउट दिखाई रवि भाई ने आज? रवि भाई हो बहुत बहुत भाई हो, जिन रेसलर को वो भी अपने देश के टॉपर रेसलर, वर्ल्ड रेसलर, वर्ल्ड मेडलिस्ट, यूरोप मेडलिस्ट है, सारे और पहले भी उन्होंने खेल चुका था, जो जिसके साथ सेमीफाइनल जी अभी सेमीफाइनल कुश्ती हुई थी, ओलंपिक खेल चुका था पहले, क्या कहना चाहोगे आप रवि के लिए? कल यही कहना चाहूंगा, गोल्ड मेडल के लिए उतरे और गोल्ड मेडल, धन्यवाद।